अलकुम नाजरन फ़ायज़ा करमानी बी एस कम्प्यूटर साइंस के कोर्स कम्प्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असम्बली लैंग्वेज के प्रोग्राम के साथ हाजिर है आज के प्रोग्राम में हम इसेम्बली लैंग्वेज प्रोसीजर्स पर अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि इसेम्बली लैंग्वेज में हम मैक्रोस कैसे लिखते हैं और प्रोसीजर्स और मैक्रोज में बुनियादी फ़र्क क्या है इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर अमजद मौजूद हैं आइए डॉक्टर अमजद की तरफ चलते हैं शुक्रिया फ़ायज़ा नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने प्रोसीजर्स के बारे में कुछ बुनियादी बातों का ज़िक्र किया था और ये देखा था कि हम असम्बली लैंग्वेज में प्रोसीजर्स किस तरह लिखते हैं और फिर उन प्रोसीजर्स को कैसे कॉल करते हैं प्रोसीजर को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूजल बनाने के लिए हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका कार पैरामीटर पासिंग कहलाता है यानी हम कुछ डेटा प्रोसीजर को पास करते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए एक प्रोसीजर अपना डिफ़ाइंड फंक्शन उस डेटा पर परफॉर्म करता है प्रोसीजर को जो पैरामीटर पास किए जाते हैं उनको हम दो टाइप्स में तकसीम कर सकते हैं जिनको आमतौर पे रजिस्टर पैरामीटर्स और स्टैक पैरामीटर कहा जाता है रजिस्टर पैरामीटर्स में हम जो डेटा प्रोसीजर को पास करना चाहते हैं वो सीपीयू के रजिस्टर्स में प्लेस करते हैं और फिर प्रोसीजर को कॉल करते हैं कॉल्ड प्रोसीजर उन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए डिफाइन प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है रजिस्टर के ज़रिए न सिर्फ एक्चुअल डेटा बल्कि रेफरेंसेज या एड्रेसिज भी पास किए जा सकते हैं जिससे पैरामीटर्स को हम अपने पिछले प्रोग्राम में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं आज के प्रोग्राम में हम स्टैक पैरामीटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एक कॉलिंग प्रोग्राम और एक कॉलिंग प्रोसीजर स्टैक को इस्तेमाल करते हुए किस तरह पैरामीटर पास कर सकता है और फिर कॉल्ड प्रोसीजर इन पैरामीटर को स्टैक से किस तरह रिट्रीव करता है नाजरीन स्टैक पैरामीटर के इस्तेमाल को समझने के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम के बारे में कुछ बुनियादी बातों का जानना बहुत ज़रूरी है तो आइए देखते हैं कि स्टैक फ्रेम या एक्टिवेशन रिकॉर्ड से हमारी क्या मुराद है A stack frame is the area of the stack set aside for a procedure return address, pass parameters, save registers, and local variables. Stack frame is created by the following steps. Calling program pushes arguments or parameters on the stack and then calls the procedure.

पैरामीटर जो हमने पास किए हैं वो स्टोर होते हैं इसके अलावा रिटर्न एड्रेस ऑफ दी कॉलिंग प्रोसीजर स्टोर किया जाता है और इसके अलावा अगर आपने अपने कॉल्ड प्रोसीजर्स में कुछ लोकल वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं तो वो भी उसमें ही स्टोर किए जाते हैं आइए स्टैक फ्रेम की एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास प्रोग्राम सेगमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा मैन प्रोसीजर दो पैरामीटर्स को स्टैक में पुश कर रहा है एंड देन इट मेक्स ए कॉल टू प्रोसीजर ए टू और ये ए टू प्रोसीजर यहाँ पे लिखा गया है अगर इसका स्टैक फ्रेम हम देखें तो वो कुछ इस तरह होगा फर्स्ट पैरामीटर जो हमने स्टैक में पुश किया पुश सिक्स सेकंड पुश फाइव व्हेन यू मेक ए कॉल टू ए प्रोसीजर जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि कॉलिंग प्रोग्राम का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ऑटोमेटिकली स्टैक में पुश किया जाता है सो रिटर्न एड्रेस जो है कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट कॉल फंक्शन इसके अलावा फंक्शन के अंदर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि यू हैव टू पुश द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर ई बी पी तो ये वैल्यू ऑफ रजिस्टर ई हमने पुश किया है एंड देन ई पॉइंटर जो कि हमेशा स्टैक टॉप को पॉइंट करता है उसकी वैल्यू को हमने मूव किया है रजिस्टर ई में इस तरह रजिस्टर ई एंड रजिस्टर ई बोथ आर पॉइंटिंग टू टॉप ऑफ द स्टैक हम थोड़ी देर में देखेंगे कि अब आप इस रजिस्टर ई को इस्तेमाल करते हुए पैरामीटर्स को स्टैक में से कैसे रिट्रीव करेंगे ये याद रखिए कि स्टैक में ना सिर्फ वैल्यूज पुश की जाती हैं बल्कि अगर आप चाहें तो मेमोरी लोकेशन को भी स्टैक में पुश किया जा सकता है अब हम देखते हैं कि कॉल्ड प्रोसीजर स्टैक पैरामीटर को कैसे रिट्रीव करता है ये हमारा प्रोसीजर है एड टू प्रोसीजर जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइन इज टू पुश द रजिस्टर ऑफ ई बी पी इन टू द स्टैक उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर द वैल्यू ऑफ ई बी पी इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ ई एस पी जो हमने मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू किया है नो बोथ रजिस्टर ई बी पी एंड ई एस पी आर पॉइंटिंग टू द टॉप ऑफ द स्टैक आप अब, अब यहाँ पे स्टैक को देखिए कि रजिस्टर ई बी पी इज़ पॉइंटिंग टू द टॉप ऑफ द स्टैक जहाँ पे आपने ई बी पी की वैल्यू स्टोर की हुई है देन द लोकेशन ई बी पी प्लस फोर रिटर्न एड्रेस को पॉइंट कर रही है एंड ई बी पी प्लस एट इज़ पॉइंटिंग टू आवर फर्स्ट पैरामीटर एंड ई बी पी प्लस ट्वेल्व इज़ पॉइंटिंग टू द सेकेंड पैरामीटर आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम स्टैक में से इन वैल्यूज़ को यूजिंग द रजिस्टर ई बी पी एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एक्सेस कर सकते हैं जैसे इस इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि वी हैव द मूव इंस्ट्रक्शन मूव ई एक्स ई बी पी प्लस ट्वेल्व तो ये वैल्यू ई बी पी प्लस ट्वेल्व मूव होगी रजिस्टर ई ए एक्स में इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यू जो कि फाइव थी ये भी आप बाय यूजिंग द रजिस्टर ई बी पी प्लस एट आप किसी और रजिस्टर में मूव कर सकते हैं या आप उस पर कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं यहाँ पे हमने ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ की है ऐड ई एक्स और ई एक्स में हम पहले ही सिक्स मूव कर चुके हैं प्लस ई बी पी प्लस एट विच इज़ बेसिकली फाइव तो इन दोनों का रिजल्ट दैट मीन सिक्स प्लस फाइव ये रजिस्टर ई ए एक्स में स्टोर होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप देखिए कि हमने लिखा है पॉप ई बी पी ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप प्रोसीजर से रिटर्न करने लगें तो उससे पहले आपको एक्चुअल वैल्यू ऑफ़ ई बी पी को रिस्टोर करना पड़ता है बाय यूजिंग दी पॉप इंस्ट्रक्शन जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया है दैट मीन्स जस्ट बिफोर द रिटर्न इंस्ट्रक्शन द रजिस्टर ई एस पी मस्ट बी पॉइंटिंग टू द रिटर्न एड्रेस ताकि जब आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करें तो आप एक्चुअल इंस्ट्रक्शन में वापस जा सकें जिसको कि रिटर्न एड्रेस पॉइंट कर रहा होता है रिटर्न के बाद जो हमने ये एट लिखा है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस एट मीन्स दैट आफ्टर रिटर्निंग द नेक्स्ट एट बाइट फ्राम दिस शुड ऑल्सो बी पॉप्ड आउट यानी कि इस प्रोसीजर को कॉल करने से पहले हमने जो वैल्यूज स्टैक में पुश की थी उन वैल्यूज़ को हमें पॉप करना चाहिए ताकि रजिस्टर ई एस पी दैट मीन दैक पॉइंटर शुड बी पॉइंटिंग अगेन ऑन द ओरिजिनल पोजिशन बिफोर द कॉलिंग ऑफ दैट प्रोसीजर तो आपने देखा कि स्टैक पैरामीटर को रिट्रीव करने के लिए कॉल्ट प्रोसीजर रजिस्टर बी पी जो कि 16 बिट एड्रेसिंग मोड में आप इस्तेमाल करते हैं या रजिस्टर ई बी पी को इस्तेमाल करना होता है स्टैक पैरामीटर और रजिस्टर पैरामीटर्स के फर्क को वाज करने के लिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं आइए हम अपना पहला प्रोग्राम देखते हैं जिसमें स्टैक पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया गया है ये प्रोग्राम स्टैक पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है जबकि इसी प्रोग्राम को हम रजिस्टर पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हुए इस तरह भी लिख सकते हैं आइए देखते हैं इन दोनों प्रोग्राम्स में अहम बुनियादी फ़र्क क्या है जब आप स्टैक पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसीजर कॉल करने से पहले पुश इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं इसके बरक्स जब आप रजिस्टर पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसीजर कॉल करने से पहले पैरामीटर्स को प्री डिफ़ाइंड रजिस्टर्स में मूव करते हैं इन दोनों प्रोग्राम्स में दूसरा अहम फ़र्क पैरामीटर्स के एक्सेस मेथड का है स्टैक पैरामीटर्स को स्टैक से एक्सेस करने के लिए रजिस्टर ईबीपी और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल किया जाता है जबकि रजिस्टर पैरामीटर्स कॉल प्रोसीजर में डायरेक्टली इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसके अलावा जब स्टैक पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो रिटर्न से पहले रजिस्टर ई की वैल्यू को रिस्टोर किया जाता है जबकि रजिस्टर पैरामीटर्स में इसकी आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती स्टैक पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि पास्ट पैरामीटर्स को रिटर्न प्रोसीजर के वक्त स्टैक से पॉप करते हैं स्टैक पैरामीटर को पास और एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक आसान ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है जिसमें आपको पैरामीटर को एक्सप्लिसिटली स्टैक में पुश करने और फिर रजिस्टर ईबीपी e को इस्तेमाल करते हुए इन्हें रिट्रीव करने की ज़रूरत नहीं होती इस पर्पस के लिए आपको इनवोक डायरेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ेगा इन डायरेक्टिव इज़ ए पावरफुल रिप्लेसमेंट ऑफ एंटल्स कॉल इंस्ट्रक्शन दैट अलाउज़ यू टू पास

immediate values, and integer expressions. The argument can also be name of a variable. It can be an address and a double-D-R expression, or it can be name of registers. Aaye, invoke directive ki kuch examples dekhte hain. इस एग्जाम्पल में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं बाइट वेल टाइप है बाइट और वर्ड वेल well, जिसकी टाइप है वर्ड अब देखिए हमने फर्स्ट इनवोक डायरेक्टिव को इस्तेमाल किया है और उसके बाद नेम ऑफ द प्रोसीजर है सब वन उसके बाद कॉमा बाइट वेल well, जो कि एक वेरिएबल है कॉमा वेल जो कि एक और वेरिएबल है यानी आपके दोनों पैरामीटर इस एग्जांपल में वेरिएबल्स हैं अगर आप चाहें तो आप इन वोक डायरेक्टिव के साथ एड्रेसेस भी पास कर सकते हैं उसके लिए आपको ए डबल डी आर प्रीफिक्स यूज करना होगा बिफोर द नेम ऑफ दी वेरिएबल यानी इस एग्जांपल में हम सब टू को इन्वोक कर रहे हैं या उसको कॉल कर रहे हैं और जो वैल्यू पास की जा रही है दैट इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल बाईट वेल इसी तरीके से इन के साथ यू कैन यूज द रजिस्टर नेम्स एंड एक्सप्रेशंस जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं वी यूज इन डायरेक्टिव दिस इज नेम ऑफ द प्रोसीजर सब थ्री फर्स्ट पैरामीटर एक रजिस्टर ई एक्स है एंड देन देर इज़ ए कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन टेन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी यानि ये दो पैरामीटर आपके कॉल्ड प्रोसीजर को पास होंगे अगर आप चाहें तो आप एड्रेस एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं यानी इनडायरेक्ट ऑपरेंट भी पास किए जा सकते हैं जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है इन वोक नेम ऑफ योर प्रोसीजर एंड देन ई बी एक्स जो कि हम एड्रेस एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं यानी कि वो वैल्यू जो कि आपने रजिस्टर ई बी एक्स में स्टोर की है दैट इज़ द एड्रेस ऑफ सम मेमोरी लोकेशन तो आप देख सकते हैं कि इन वोक डायरेक्टिव इज़ ए वेरी पावरफुल आल्टरनेटिव टू कॉल इंस्ट्रक्शन जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर कॉलिंग प्रोसीजर को पास कर सकते हैं ये याद रहे कि इन की इंटरनल वर्किंग वैसी ही है जैसा कि अभी हमने स्टैक पैरामीटर के हवाले से डिस्कस किया है इसमें जो फ़ायदा है प्रोग्रामर को वो ईज़ीनेस ऑफ द यूज़ ऑफ़ इनवोक डायरेक्टिव है यानी प्रोग्रामर को ख़ुद स्टैक की मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं होती जब आप इनवोक डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रोसीजर डायरेक्टिव की भी ज़रा मुख्तलिफ़ शक्ल इस्तेमाल करना होती है जो कि कुछ इस तरह से है आप लेबल लिखते हैं विच इज बेसिकली द नेम ऑफ योर प्रोसीजर उसके बाद रिजर्व रिजर्वर पी आर ओ सी लिखा जाता है एंड देन यू राइट दी पैरामीटर लिस्ट यानी ये वो पैरामीटर्स होंगे जो कि कॉलिंग प्रोसीजर से वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे पैरामीटर लिस्ट लिखने के की जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि यू राइट ऑफ़ द पैरामीटर देन यूज ए कॉलन एंड द टाइप और टाइप जो आप लिख सकते हैं दैट कुड बी बाइट एस बाइट वर्ड और जो बाकी असेंबली लैंग्वेज की टाइप सामने डिस्कस की है नाजरीन आइए देखते हैं इन वोक डायरेक्टिव को हम किसी प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में हम इन वोक डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में दो अहम पॉइंट्स नोट करने वाले हैं इन वोक डायरेक्टिव के साथ जो पैरामीटर्स आपने पास करने होते हैं उनको लिखा जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा अहम पॉइंट ये है प्रोसीजर डायरेक्टिव के साथ आपको वेरिएबल्स लिखने होते हैं जो कि पैरामीटर्स की वैल्यू को रिसीव करते हैं इस मिसाल में वेल वन वेरिएबल की वैल्यू फाइव और वेल टू वेरिएबल की वैल्यू सिक्स है इन वेरिएबल्स को प्रोसीजर में दूसरे आम वेरिएबल्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है नाजरीन प्रोसीजर से मिलता जुलता एक और कॉन्स्ट्रक्ट जो कि आपको असेंबली लैंग्वेज में अवेलेबल है उसको हम मैक्रो या मैक्रो प्रोसीजर कहते हैं अ मैक्रो इज बेसिकली अ अम्बड ब्लॉक ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स दैट कैन बी वोक्ड वन और मोर टाइम्स इन योर प्रोग्राम मैक्रो प्रोसीजर में सबसे अहम फर्क यह है कि असेंबलर प्री प्रोसेसिंग के, के वक्त हर मैक्रो कॉल को एक्सपेंड करता है इनटू कॉपी ऑफ the कोड ऑफ that मैक्रो जबकि इसके बरक्स प्रोसीजर कॉल में कोई एक्सपेंशन नहीं की जाती यही वजह है कि मैक्रो की एग्जीक्यूशन इज फास्टर एज कंपेयर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसीजर जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल में इस बात को वाजे करेंगे आप मैक्रो प्रोग्राम में किसी जगह भी लिख सकते हैं लेकिन आम तौर पर इसे प्रोग्राम के शुरू में लिखा जाता है मैक्रो लिखने के लिए आप जो सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह है सबसे पहले आप मैक्रो नेम लिखते हैं जिस तरीके से हर प्रोसीजर को आप एक नाम देते हैं इसी तरीके से एवरी मैक्रो शुड बी गिवन अ वेलड नेम उसके बाद आप रिज़र्व वर्ड मैक्रो लिखेंगे एंड देन देर इज़ एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और अगर आप एक से ज़्यादा पैरामीटर्स लिखते हैं दैन दे मस्ट बी सेपरेटिड विद कॉमर्स उसके बाद आप वो असम्बली लैंग्वेज स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि आपने मैक्रो में एग्जीक्यूट करनी है एंड देन रिज़र्व वर्ड एंड एम लिखा जाता है जो कि उसके मैक्रो के एंड को इंडिकेट करता है आइए अब हम मैक्रो इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम की एक्सपेंशन आपका असेंबलर कैसे करेगा इस प्रोग्राम में हमने एक मैक्रो लिखा है मैक्रो का नाम एम राइट स्ट्रिंग रखा गया है उसके बाद हमने मैक्रो वर्ल्ड लिखा एंड देन दिस इज अ वेरिएबल आर द पैरामीटर जिसको हमने नाम बफर का दिया है इस मैक्रो के अंदर हमने यह कुछ सेमिली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं बेसिकली यह मैक्रो एक स्ट्रिंग को प्रिंट करता है जिसके लिए सबसे पहले हमने रजिस्टर ईडीएक्स को स्टैक में पुश किया उसके बाद हमने बफर इस वेरिएबल के ऑफ सेट को रजिस्टर EDX में मूव किया है एंड देन वी मेड ए कॉल टू द लाइब्रेरी प्रोसीजर राइट स्ट्रिंग जो कि इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और एंड मैक्रो से पहले हमने रजिस्टर EDX की वैल्यू जिसको हमने शुरू में पुश किया था उसको दोबारा पॉप किया है अब आप इस मैक्रो को अपने प्रोग्राम में जितनी बार भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप मैक्रो का नाम लिखेंगे और उसके बाद क्योंकि ये मैक्रो एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है यू हैव टू प्रोवाइड अ पैरामीटर और इसमें जो हमारा पैरामीटर है दैट इज़ एस टी आर वन जिसको हमने अपने डेटा सेगमेंट में डिफ़ाइन किया हुआ है अब ये प्रोग्राम जब आप असेंबल करेंगे तो मैक्रो कॉल असेंबलर एक्सपेंड करेगा यानी मैक्रो कॉल बेसिकली विल बी रिप्लेस बाय दो फाइव इंस्ट्रक्शंस यू हैव रिटर्न इन योर मैक्रो और मैक्रो एक्सपेंशन कुछ ऐसे होगी ये देखिए कि ये हमारी कॉल थी हाँ इस पोजीशन में हमने कॉल किया था अपने मैक्रो एम राइट स्ट्रिंग को और जो हमने पैरामीटर प्रोवाइड किया था दैट वाज एस टी आर अब एक्सपेंशन में बहुत ही सिंपल काम किया जाता है आप ये एज्यूम करें कि जैसे ये चारों की चारों लाइंस जो कि आपने मैक्रो के अंदर लिखी हैं दे विल बी कॉपीड एट द पोजिशन वेयर यू आर मेकिंग ए कॉल टू दिस मैक्रो विथ वन चेंज वह चेंज ये होगी कि इस मैक्रो के अंदर आप जिस जगह भी वेरिएबल बफर यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी रिप्लेसड नाव विद दी ओरिजिनल वेरिएबल यू पास टू दिस मैक्रो वैन यू आर मेकिंग ए कॉल टू द मैक्रो और हमारे एग्जाम्पल में जो पैरामीटर आपने पास किया था दैट वॉज एस टी आर तो पहली लाइन तो ऐसे ही आ जाएगी पुष ई डी एक्स सेकेंड लाइन में क्योंकि आप ये पैरामीटर बफर यूज़ कर रहे हैं देन दिस वेरिएबल बफर विल बी रिप्लेस नाउ विद योर ओरिजिनल पैरामीटर एस टी आर एंड द रेस्ट ऑफ द मैक्रो विल बी एज इट इज़ क्योंकि आप किसी और स्टेटमेंट में कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब आप एक प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो बेसिकली जो कॉलिंग प्रोसीजर है उसकी एग्जीक्यूशन उस पॉइंट पे स्टॉप हो जाती है एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द प्रोसीजर यू आर कॉलिंग और प्रोसेसिंग स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोसीजर अब जब लास्ट लाइन प्रोसीजर की एग्जीक्यूट होती है दैट इज रिटर्न दैट टेक्स यू बैक टू नेक्स्ट लाइन इन योर कॉलिंग प्रोसीजर जहां से एग्जीक्यूशन री होगी जबकि मैक्रो में ऐसी कोई बात नहीं होती जब भी आप एक मैक्रो को कॉल करते हैं तो बेसिकली असेंबलर वी रिप्लेस दैट कॉल विद द ओरिजिनल स्टेटमेंट्स ऑफ द मैक्रो बाय मेकिंग चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड नाजरीन इस प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया है कि स्टैक के थ्रू पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं और कॉल प्रोसीजर्स स्टैक पैरामीटर्स को रजिस्टर ई को इस्तेमाल करते हुए कैसे एक्सेस करते हैं इसके अलावा हमने ये देखा कि इसम्बली लैंग्वेज में मैक्रोज कैसे लिखे और इस्तेमाल किए जाते हैं इसके साथ ही फ़ायज़ा किरमानी और डॉक्टर अमजद को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।